तो जगन्नाथ भगवान का ग्लोरिफिकेशन में ये जगन्नाथ अष्टकम ये गाना हम लोग अभी गाएंगे और देखेंगे। तो एक एक स्टैंजा है, सो पहले हम एक बार गाएंगे तो उसके बाद एक साथ सब रिपीट करेंगे एक साथ। ऑल ऑफ यू कैन अनम्यूट एंड टुगेदर, आफ्टर दैट टुगेदर वी विल सिंग। फर्स्ट आई विल tell and you sing, then all of us together will repeat in the singing way. Kadachit kalindi tata vipina sangeeta tataralo. Please repeat, all of you. All of you can unmute and together. रमा शंभु ब्रह्मार पति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भुजे शव्ये वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कथितते। भुजे शव्ये शिरसि शिखिपिच्छं कथितते। दुकुलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं च विदधात। दुकुलं नेत्रन्ते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचायो। सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचायो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बोध देस्तीरे कनक रुचिरे नील शिखरे। वसन्त सहज बलभद्रे नवलीना। वसन्त प्रधान्त सहज बलभद्रे नवलीना। सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा शरदो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कृपा पार पार स जल जल दश्रेणी रुचिरो। कृपा पार पार स जल दश्रेणी रुचिरो। रमा वाणी राम स्फुरत अमल पंके रुह मुख। रमा वाणी राम स्फुरत अमल पंके रुह मुख।
सुरेन्द्रेर आराध्य श्रुति गान शिखा गीत चरित जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदम् उपाकारण्य सदया कया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी परम ब्रह्मा पीड़ा कुबल यादलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रौ निहित चरणौ अनंत शिरसि रसानंदी राधा सरस वपुर आलिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी न वै याचे राज्यम न च कनक माणिक विभावम् न याचे अहम रम्यम सकल जन काम्यम वरवधुम् सदा काले काले प्रमथ पति ना गीत चरित जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे हर त्वं संसारं द्रुततरं असारं सुसुरपते हरत्वं अपानं विततिम् अपरं यादवपते अहो दीननाथे निहित चरण निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी जनपथ गामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं या पठेत प्रयत शुचि जगन्नाथ पाप विशुद्धात्मा
श्रीमत् शंकराचार्य विरचितम् संपूर्णम्। तो यहाँ पे देखिए जगन्नाथ अष्टकम्। Now all of you can mute. तो ये जगन्नाथ अष्टकम् कौन लिखा? आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य कौन है? शिव जी। और आदि शंकराचार्य उनको भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी में भेजा था मायावाद प्रचार करने के लिए। मायावाद क्या है? हम भगवान, तुम भगवान, सब भगवान, ये है मायावाद। ये पूरा एकदम गलत फिलोसफी है। सब कोई भगवान है ये मायावादी लोग बोलता है। तो ये शिवजी शंकराचार्य बन के आया और मायावाद प्रचार किया था भगवान का निर्देश से। लेकिन शिवजी तो भगवान का परम भक्त है, भगवान जगन्नाथ का परम भक्त है, इसीलिए जगन्नाथ अष्टकम लिखा, गीता महात्म्य लिखा शंकराचार्य, बहुत सारा डिवोशनल जो लिटरेचर्स शंकराचार्य देखे गए। एक्चुअली शंकराचार्य को लोग इम्पर्सनलिस्ट और मायावादी का रूप में देखता है। एक्चुअली वो भगवान का ही निर्देश से आया था शिवजी और भगवान का सेवा किया मायावाद प्रचार करके। तो लोग बोल सकता है कि कैसे भगवान का सेवा करेगा मायावाद प्रचार करके। भगवान का उद्देश्य था मायावाद इस दुनिया में प्रचार हो, और लेकिन ये गलत फिलोसफी है। तो भगवान क्यों चाहा ये चीज़? तो भगवान इसलिए चाहा कि लोग बिविल्डर हो जाए। कलयुग में लोग बिविल्डर हो जाएगा तो सफरिंग ज़्यादा होगा कलयुग में। कलयुग में एटमॉस्फेयर सफरिंग वाला होना चाहिए, तब तो असली कलयुग होगा, है कि नहीं? तो सफरिंग होगा तब थोड़ा थोड़ा भगवान को याद करेगा। तो भगवान का प्लान जो है वो दिव्य है, साधारण लॉजिक से वो समझा नहीं जा सकता है, एक्सटर्नली समझा नहीं जा सकता है। तो जगन्नाथ अष्टकम देखिए, आदि शंकराचार्य जगन्नाथ अष्टकम भगवान जगन्नाथ का ग्लोरिफिकेशन में ये दिया। थोड़ा मीनिंग देखेंगे क्या है। फर्स्ट वर्स इसका मीनिंग है, समटाइम्स इन ग्रेट हैप्पीनेस लॉर्ड जगन्नाथ इन हिज फ्लूट मेक्स ए लाउड कॉन्सर्ट इन द ग्रोव्स ऑन द बैंक्स ऑफ द यमुना। ही इज लाइक ए बम्बल बी हु टेस्ट्स द ब्यूटिफुल लोटस लाइक फेसेस ऑफ द काउहर्ड डैमसल्स ऑफ ब्रज। And his lotus feet are worshipped by great personalities such as Lakshmi, Shiva, Brahma, Indra and Ganesh. May that Jagannath Swami be the object of my vision. So, yahan pe dekhiye ek line common hai pura. Jagannath Swami Nayana Patagami Bhavatu Me. What is the meaning of this? May that Lord Jagannath Swami be the object of my vision. Generally, हम लोग का विजन अभी मेटेरियलिस्टिक है। हम लोग का विजन बहुत ब्लर है अभी, ड्यू टू मेटेरियल कॉन्टैक्ट के कारण हम लोग का विजन एक्चुअली वो धुंधला हो गया है। रियल स्पिरिचुअल विजन इज नॉट देयर। वी हैव ए विजन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, बट इफ वी प्रे टू Lord Jagannath, that Lord Jagannath be the vision, be the object of my vision. When Krishna is the object of our vision, when Lord Jagannath is the object of our vision, then our vision is perfect. जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करता था जगन्नाथ पुरी में, तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को श्याम सुंदर रूप में देखता था। वृंदावन का श्याम सुंदर एक्चुअली वही एक्चुअल है जगन्नाथ जी। ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम श्याम सुंदर ऑफ ब्रज। सो दैट्स व्हाई दिस वर्स
verse, first verse, it is like this. Second, the meaning, in his left hand, Lord Jagannath holds a flute. On his head, he wears the feathers of peacocks. And on his hips, he wears fine yellow silken cloth. Out of the corners of his eyes, he bestows sidelong glances upon his loving devotees. And he always reveals himself through his pastimes in his divine abode of Vrindavan. May that Jagannath Swami be the object of my vision. So, Jagannath ji, Bhagwan Jagannath, he is Krishna. There is no difference between Jagannath and Krishna. Jai Gaur, Sei Krishna, Sei Jagannath. Last day we sang this song. There is no difference between Lord Chaitanya Mahaprabhu, Lord Jagannath and Lord Krishna. So he resides in his abode of Vrindavan. Residing on the shore of the great ocean within a large palace situated upon the chest of the brilliant golden Nilachala hill, along with his powerful brother Balabhadra, and in the middle of them, his sister Subhadra, Lord Jagannath bestows the opportunity for his devotional service upon all the godly souls. May that Jagannath Swami be the object of my vision. The Nilachal Parvat, we have seen last day, we are hearing Nil Madhav, Nilachal Parvat, the Jagannath Puri area, that's called Nilachal, Sri Khetro, Nilachal Dham, Puri Dham. So, there is Jagannath, his sister and brother, dono ke saath hai, Sudarshan ke saath hai. Lord Jagannath is an ocean of mercy and he is beautiful like a row of blackish rain clouds. Krishna ka color kaisa hai? Like the blackish rain clouds. He is the storehouse of bliss for Lakshmi and Saraswati, and his face is like a spotless, full-blown lotus. Krishna's face is so beautiful, it is lotus-like. He is worshipped by the great best of the demigods and sages, and his glories are sung by the Upanishads. May that Jagannath Swami be the object of my vision. Samasta Ved, Puran, Stuti ke madhyam mein unka upasana ho raha hai. When Lord Jagannath is on his Rathayatra cart, jab Rathayatra mein hota hai Bhagwan Jagannath, and is moving along the road, at every step there is a loud presentation of prayers and songs chanted by large assemblies of Brahmanas. Hearing their hymns, Lord Jagannath is very favorably disposed towards them. He is the ocean of mercy and is true friend to all the worlds. May that Lord Jagannath Swami, along with his consort Lakshmi, who was born from the ocean of nectar, be the object of my vision. So Lakshmi Devi, Bhagwan Jagannath ke saath hamesha hai. Sri Mandir mein. Aur Lakshmi Devi kinka beti hai? Samudra Dev ka beti hai. Lakshmi Devi is the daughter of Samudra Dev. Puri mein jo samudra hai, Samudra Dev ka beti hai Lakshmi. He is the ornament of the head of Lord Brahma, and his eyes are like the full-blown petals of the lotus. He resides on the Nilachala hill, and his lotus feet are placed on the heads of Ananta Dev. Lord Jagannath is overwhelmed by the mellow of love, and he becomes joyful in embracing of the body of Sri Radharani, who is like a cool pond. May that Jagannath Swami be the object of my vision. So Jagannath is overwhelmed by the mellow of love, and he becomes joyful in embracing the body of Srimati Radharani. So Krishna in Vrindavan, in the Vrindavan mood, he is the lover of Srimati Radharani, and he is always looking for Srimati Radharani. That is Lord Jagannath. So Chaitanya Mahaprabhu, he came in the mood of Srimati Radharani. And Lord Jagannath performed many pastimes with Lord Chaitanya Mahaprabhu. When Lord Chaitanya Mahaprabhu danced in ecstasy in front of the Rathyatra cart with so many devotees from all over Bengal and Odisha, Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to show that how one can love Krishna by the Sankirtan movement, by the chanting, dancing, and feasting, Jagannath Mahaprasad. So how many of you have gone to Jagannath Puri?
Please raise your hand in this. Yes, sir. Anybody else? You went to Jagannath Puri? Yes, sir. Okay, at that time, the CM of Odisha was come at the RT. Also. Okay. And I was standing near him. Okay, very good. So, very few of you have gone to Jagannath Puri. Okay. So, Jagannath, इतना मर्सीफुल है, इतना कृपालु है, उनका जो बड़े बड़े आंख है ना, हर चीज देखता रहता है और कृपा देता रहता है. तो हम लोग, हाँ, कभी हम लोग देखेंगे, हाँ, कब जा पाए जगन्नाथ पुरी एक साथ. हाँ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस यू नो सिचुएशन ऑफ कोविड नाउ. ओके, सो नेक्स्ट वर्स. I do not pray for a kingdom, nor for gold, rubies, and wealth. I do not ask for any excellent and beautiful wife, as desired by all men. I simply pray that Jagannath Swami, whose glories are always sung by Lord Shiva, be the constant object of my vision. Nathanam na janam na sundarim kavitam va jagadish kamaye mama janmani janmani ishvare bhavatar bhakti rahaitu kitvai. चैतन्य महाप्रभु ये लिखा है शिक्षाष्टकम में. आई डू नॉट वॉन्ट वेल्थ, रूबीज, गोल्ड, ब्यूटिफुल वाइफ. सो दीज मेटेरियल थिंग्स, सो मेटेरियल थिंग्स, दिस ब्रिंग्स मेटेरियल मेटेरियल यू नो सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट ही डजंट वॉन्ट. ऑफकोर्स इफ यू यूज देम फॉर कृष्ण सर्विस देन इट इज यू नो परफेक्ट. But for one's own sense gratification, it is actually, it will take us in a gliding, it will glide us down towards hellish conditions. O Lord of the demigods, please quickly remove this useless material existence I am undergoing. O Lord of the Yadus, please destroy this vast ocean of sins which has no shore. Alas, this is certain that Lord Jagannath's lotus feet are bestowed upon those who feel themselves fallen and have no shelter in this world but him. May that Jagannath Swami be the object of my vision. So when one is approaching Lord Jagannath, one should consider himself fallen. He should consider himself that he has no other shelter. Unke paas koi aur dusra shelter nahi hai, jo ekmatra shelter hai, Bhagwan Jagannath. The self-restrained, low, virtuous soul who recites these eight verses, glorifying Lord Jagannath, becomes cleansed of all sins and duly proceeds to Lord Vishnu's abode. जो ये जगन्नाथ अष्टकम गाता है वो अपना पापों से मुक्त होता है और भगवान का धाम पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के तरफ जाता है. हम लोग सब जा रहे हैं ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड के तरफ. All of us are going towards towards the spiritual world. फिर से मुड़ के देखना नहीं है, नीचे देखना नहीं, ऊपर में चलते रहना है, वैकुंठ के तरफ, गोलोक वृंदावन के तरफ. तो हम लोग जगन्नाथ अष्टकम बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर ये ग्लोरिफिकेशन है जगन्नाथ जी का. तो भगवान जगन्नाथ का लीला का कोई अंत नहीं है. अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक भगवान कृष्ण जगन्नाथ जी विराजमान है. पूरा दुनिया का नाथ है जगन्नाथ, मतलब पूरा दुनिया का नाथ. सिर्फ भारतीय का नहीं, सिर्फ उड़ीसा का नहीं, बंगाल का नहीं, पूरा दुनिया का नाथ है जगन्नाथ. तो जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ पुरी को श्री क्षेत्र बोला जाता है. तो ये श्री क्षेत्र, ये पुरी धाम, यहाँ पे श्री देवी मतलब लक्ष्मी देवी, उनका बहुत प्राधान्य है. तो लक्ष्मी देवी के साथ एक लीला हुआ था. लक्ष्मी देवी का इतना प्रोमिनेंस है इस धाम पे. एक बार क्या हुआ, एक
एक थर्सडे को, एक गुरुवार को मदर लक्ष्मी, माता लक्ष्मी, वो पूरी धाम में घूमने निकली। तो एक ओल्ड लेडी का वेश में, एक बुढ़ा लेडी का, मतलब बुढ़ा, एक बूढ़ी औरत का वेश में माँ लक्ष्मी एक गुरुवार को, थर्सडे को, धाम पे, पूरी धाम दर्शन करने, पूरी धाम पे विचरण करने के लिए निकली। तो माँ लक्ष्मी एक जमींदार के पास आया। जमींदार उसके घर का बाहर में वो धान से राइस, मतलब चावल निकाल रहा था, पैडी से, धान से वो चावल निकालने का वो काम कर रहा था सुबह सुबह, इज द मॉर्निंग टाइम। और पूरी में ये है कि गुरुवार को, थर्सडे को लक्ष्मी पूजा करना चाहिए, सब कोई पूरी में लक्ष्मी पूजा का प्राधान्य है गुरुवार सुबह। तो लक्ष्मी देवी उनको बोला, तो वो तो बूढ़ी औरत का वेश में है, लक्ष्मी देवी उनको बोला कि आप पूजा नहीं कर रहे आज, तो कैसे लक्ष्मी पूजा किया जाता है, वो बोला। तो वो जमींदार क्या हुआ, नेग्लेक्ट कर दिया, अरे क्या बूढ़ी औरत क्या बोलता है। तो उसके बाद जमींदार का क्या हुआ, जमींदार क्योंकि लक्ष्मी देवी को नेग्लेक्ट किया, तो उनका कुछ दिन बाद, वो बहुत रिच था, बहुत धनी था, लेकिन वो फिर उनका धन चला गया, बहुत उसका वेल्थ का लॉस हो गया। तो उसके बाद लक्ष्मी देवी एक चंडाल के घर पे गया, और चंडाल के घर पे जाके देख रहा है कि वो लोग बहुत अच्छा तरीके से लक्ष्मी पूजा कर रहा था। तो चंडाल का घर में उन लोगों से बात किया लक्ष्मी देवी, बहुत अच्छा लगा। अब जब चंडाल का घर से जब निकल रहा था लक्ष्मी देवी, एक्चुअली उस दिन क्या हुआ, जगन्नाथ बलदेव भी एक दो भाई का वेश में पुरी में घूमने निकल गया, वो लोग भी घूमने निकल गया, जगन्नाथ बलदेव दोनों। तो जगन्नाथ बलदेव दूसरे रास्ता पे गया और लक्ष्मी देवी दूसरे रास्ते में गया। तो ये अब जगन्नाथ बलदेव देख रहा है कि लक्ष्मी देवी एक चांडाल का घर से निकल रही है, क्या हुआ। तो बहुत गुस्सा, बलदेव जी बहुत गुस्सा गए, जगन्नाथ को बोला कि क्या है, हाँ क्यों लक्ष्मी देवी चांडाल का घर में गया, हाँ आप लक्ष्मी देवी को मंदिर में घुसने नहीं देना है, लक्ष्मी देवी को एकदम घुसने नहीं देना। तो मंदिर पे बैंड है, अलाउड नहीं है घुसना, चंडाल का घर में जाता है। तो जगन्नाथ जी क्या है कि बलदेव जी का बात सुनता है वो, तो जगन्नाथ जी बोला कि ठीक है अलाउ नहीं करेंगे मंदिर में। तो जब लक्ष्मी देवी मंदिर में आया तो जगन्नाथ जी बोला कि यू आर नॉट अलाउड इनसाइड द टेम्पल, आपको अलाउ नहीं करेंगे। क्यों, क्या हुआ, चंडाल के घर में जाकर जाता है तो क्या है सब, चंडाल के घर में क्या कर रहे हैं, क्या कर रही है। तो लक्ष्मी देवी बहुत गुस्सा गई, अरे मेरे को आप बोले थे कि पूरा सप्ताह में एक बार कहीं पर भी मैं जा सकता हूँ, मेरा जब शादी हुआ था तब आप, मेरा जो फादर है समुद्र देव को आप बोले थे कि वन डे इन ए वीक आई कैन गो एनीवेयर, अलाउ किए थे आप, तो ऐसे क्यों मेरे को घुसने नहीं दे रहे, दिस इज नॉट गुड। तो जगन्नाथ जी बोला, अरे तुम्हारा पिताजी वो समुद्र से बहुत आवाज करता है, मेरे को नींद नहीं आता अच्छा तरीके से, तो ऐसे करके अलाउ नहीं किया जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी को। तो बाहर चला गया लक्ष्मी देवी, बाहर निकल गया मंदिर से, और लक्ष्मी देवी का सब सर्वेंट्स बाहर निकल गया उनके साथ, जो उनका जो एसोसिएट्स था लक्ष्मी देवी का। तो लक्ष्मी देवी का सर्वेंट्स क्या किया, समस्त किचन को एकदम सब इधर उधर करके
पूरा सब मतलब गुस्सा गुस्सा गया इतना कि लक्ष्मी देवी को घुसने नहीं दिया गया, तो वो लोग चला गया लक्ष्मी देवी के साथ। तो अभी जगन्नाथ बलदेव भीतर है। तो नेक्स्ट दिन क्या हुआ, नेक्स्ट दिन नींद से उठा जगन्नाथ बलदेव और ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहा है, ब्रेकफास्ट आ ही नहीं रहा है। क्या हो गया, ब्रेकफास्ट नहीं आ रहा है? तो बोला कि तो लक्ष्मी देवी नहीं है इसलिए ब्रेकफास्ट नहीं हो रहा है, जगन्नाथ बोला। तो बलदेव जी बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ब्रेकफास्ट करें कुकिंग करेंगे, ब्रेकफास्ट कुकिंग करके हम लोग खाएंगे उसको। तो जगन्नाथ बलदेव किचन में गया, किचन में देखा सब तोड़ दिया है, लक्ष्मी देवी का सर्वेंट्स सब क्या कर दिया है। अब किचन का भीतर में जो स्टोर रूम है, स्टोर रूम में गया, स्टोर रूम में देख रहा पूरा सब खाली है स्टोर रूम। लक्ष्मी चला गया है तो जितना भी अनाज है जितना भी खाना है सब लक्ष्मी देवी का प्रॉपर्टी है, सब चला गया, सब एम्प्टी हो गया। अभी क्या हुआ, तब जगन्नाथ बोला कि अभी कुछ उपाय नहीं है, हम लोग को ब्राह्मण का वेश धारण करके भिक्षा करने जाना पड़ेगा, पूरी धाम में भिक्षा मांगने के लिए अभी जाना पड़ेगा। तो जगन्नाथ बलदेव ब्राह्मण का वेश में भिक्षा करने के लिए निकल गया पूरी धाम में। तो सबका घर का सामने जाके बोल रहा भिक्षा दीजिए भिक्षा दीजिए। अब ये जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी देवी का इतना प्राधान्य है क्या, क्योंकि जगन्नाथ और बलदेव लक्ष्मी देवी को छोड़ दिया तो उन लोगों का फेस देख के ही कोई भिक्षा नहीं दे रहा। एक बंगाली में एक टर्म है लोखी छाड़ा, जो मतलब जो जिसको कुछ देने का मन नहीं करता है लोखी छाड़ा, और जो मतलब जिसको देख के लगेगा कि अरे ये बेकार है इसको क्यों दे कुछ, ऐसा लगेगा। क्योंकि जगन्नाथ बलदेव लक्ष्मी को छोड़ दिया तो जो जो पूरी वासी है वो समझ रहा है कि ये लोखी छाड़ा हो गया, एक कौन आया ब्राह्मण ये ठीक नहीं, कुछ नहीं दे रहा, कोई भी भिक्षा नहीं दे रहा। और इधर पे लक्ष्मी देवी सूर्य देव को बोल दिया है, बहुत जो हीट है शाम का, जो सूर्य देव अपना अग्नि बढ़ा दो, अग्नि बढ़ा दिया, हीट बहुत गर्मी लग रहा है जगन्नाथ बलदेव को, उधर बहुत प्यास लग रहा है। तो जगन्नाथ बोला अरे ठीक है कुछ खाने को नहीं मिल रहा है तो थोड़ा तृष्णा मिटा लेते हैं। फिर पुकुर में गया, और जब भी पुकुर में गया तब लक्ष्मी देवी बोल के रखा था पुकुर को, सभी पुकुर को बोल के रखा था, पानी वरुण देव को बोल के रखा था कि जब भी जगन्नाथ बलदेव आएगा तब तुमको अंतर्धान हो जाना है, खाली हो जाना है। तो जरा पुकुर एम्प्टी हो गया, तो ऐसे करके जगन्नाथ बलदेव फिर जा रहा है कहीं पर कुछ मिलेगा ये आशा में जा रहा है। तो एक मंदिर में गया और मंदिर में एक माता जी क्या कर रहा था, पूजा दे रहा था उधर पे, वो शिव मंदिर था ऐसे कुछ था। तो वहाँ पे एक जो वो एक भोग लगाया उस मंदिर का जो विग्रह है डेटी है माता जी, भोग लगाई क्या था कि वो खोई, बंगाली में खोई बोलता है, मुड़ी का जैसा होता है मुड़ी का जैसा खोई होता है, हिंदी में पता नहीं क्या बोलता है। तो खोई भोग लगाया, तो फिर वो उधर पे डेटी को खोई भोग लगा के फिर आ गया। और जगन्नाथ बलदेव ब्राह्मण का वेश में खड़ा है गेट का सामने, खोई को लेके जा रहा है अभी, मतलब प्रसाद लेके जा रहा है। तो जगन्नाथ बलदेव बोला, ब्राह्मण बोला कि ब्राह्मण का रूप में बोला कि कुछ दीजिए माता जी, कुछ खाने को दीजिए, बहुत भूख लगा है। तो जब ही वो माता जब ही वो खोई को मतलब उसका जो ढकना है जो कपड़ा था उसका ऊपर में उसको जब खोली और कुछ देने गया तो लक्ष्मी देवी ये वायुदेव पवन देव को बोल के रखा था सब खोई को उड़ा देना है, जब ही निकलेगा तभी खोई को सब उड़ा देना है, सब खोई उड़ गया, जा किसी को कुछ नहीं मिला, क्या हो गया। तो ऐसे करके कहीं पर भी जा रहा है कुछ नहीं मिल रहा है,
तो भिक्षा करने के लिए निकला, लेकिन ऐसा हालत हो गया जगन्नाथ और बलदेव का। तो अभी अभी क्या हुआ कि अब जगन्नाथ बोला कि ठीक है, अभी कोई उपाय नहीं दिख रहा है, एक ही गांव है, एक एक जगह है जहाँ पे जो जो लोग बहुत दानी है, दान करता है बहुत लोग, एक चांडाल ग्राम है, तो वहाँ पर चलते हैं। तो बलदेव जी क्या हुआ, बलदेव जी बोला कि अरे चंडाल ग्राम में गांव में क्यों जाना है, छोड़ो, उन लोगों का हाथ में नहीं खाना है, उन लोगों का हाथ में। तो जगन्नाथ बोला नहीं नहीं, तुमको उन लोगों का हाथ से नहीं खाना है, तुमको वहां पे जाके हम लोग कुकिंग करेंगे और कुकिंग करके फिर हम लोग वो प्रसाद भोग लगा के फिर खाएंगे। तो अच्छा बोला ठीक है तब, ठीक है तब, ठीक है, जगन्नाथ बोला ओके नो प्रॉब्लम। तो फिर चला चंडाल गाँव में, तो चंडाल का जो वो जो मेन जो लीडर था उसका रूम में, उसका घर में गया और बोला कि सब बहुत अच्छे से स्वागत किया, और वही चंडाल था जो लक्ष्मी देवी का बहुत अच्छा भक्ति करता था, तो बहुत अच्छे से स्वागत किया जगन्नाथ बलदेव को। ब्राह्मण आइए क्या आपको दे, सब कुछ एकदम, हम लोग का धर्म है सेवा करना, कुछ भी लीजिए, सब कुछ तैयार है एकदम, अब बैठिए आपके लिए प्रसाद एकदम सर्विस चालू करते। बलदेव बोला नहीं नहीं, हम लोग ये चंडाल के हाथ से नहीं करते, हम लोग को कुकिंग करना है। अच्छा ठीक है, कुकिंग करना है तो ठीक है, सब बंदोबस्त कर देते हैं, आप लोग कुकिंग कीजिए और खाइए। तो फिर चंडाल क्या किया, समस्त अरेंजमेंट कर दिया। तो अभी बलदेव बोला कि जगन्नाथ तुम कुकिंग करो, मैं थोड़ा नहा के आता हूँ समुंदर से। जगन्नाथ बोला ठीक है मैं कुकिंग करता हूँ। अब कुकिंग शुरू किया, अब आग लगाने का कोशिश कर रहे हैं, जो कुकिंग में जो चूल्हा में आग जलाने का कोशिश कर रहे हैं, जल ही नहीं रहे। लक्ष्मी देवी बोल के रखा है अग्निदेव को कभी नहीं जलना है, कुछ नहीं कर पा रहा है, धुआं निकल रहा है, सिर्फ जल ही नहीं रहा। तो फिर बलदेव जी आ गया, कहा अरे कुकिंग कहाँ हुआ, क्या किया इतना देर, कुकिंग नहीं हुआ, ये तो जल ही नहीं जाए। बोला ठीक है तुमसे कुछ नहीं होगा, छोड़ो हम बनाते हैं, कुकिंग करते हैं। तो वो बलदेव जी कुकिंग, मतलब फिर से वही प्रॉब्लम, आग जल ही नहीं जाए, कुछ नहीं होगा। तो वो जगन्नाथ और बलदेव कि अभी कोई उपाय नहीं है, हाँ तो बहुत मुश्किल हो गया है अभी। अभी बलदेव बोला कि ठीक है कुछ खा लेते हैं, अभी नहीं तो भूखा मर जाएंगे। हाँ तो जगन्नाथ बोला अच्छा ये खाएंगे, ये चंडाल के हाथ से खाना है, क्या करेंगे, ये तो इतना मुश्किल हो रहा है, सुबह से सारा दिन कुछ नहीं खाए, 56 भोग खाने का हैबिट है, क्या करें, कुछ उपाय नहीं है। तो ठीक है बैठ जाते हैं, क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद ये लोग जगन्नाथ और बलदेव बैठ गया कुकिंग में, सॉरी खाने के लिए प्रसाद में बैठ गया। बहुत अच्छा अच्छा आइटम आने लगा, स्पेशल आइटम, एकदम बढ़िया बढ़िया आइटम। और बलदेव जी बोल रहे हैं अरे इतना स्पेशल आइटम आ रहा है, ये आइटम तो लग रहा है कि लक्ष्मी जी का हाथ का खाना है, लक्ष्मी जी का हाथ का ये बना हुआ है लग रहा है। तो जगन्नाथ बोल रहे नहीं नहीं लक्ष्मी जी कैसे आएंगी इधर, हाँ ये तुम ऐसे ही सोच रहे हो, नहीं नहीं ये तो स्पेशल एकदम है। तब लास्ट में खाने का लास्ट में एक स्पेशल केक, बहुत स्पेशल केक सिर्फ लक्ष्मी देवी उसको बनाती है वो आया। तब जगन्नाथ और बलदेव समझ गया कि ये तो जरूर लक्ष्मी देवी उस घर पे है, ये तो कोई नहीं जानता है, वो सिर्फ लक्ष्मी देवी कुकिंग करती है। तब बोला कि फिर बलदेव जी जगन्नाथ जी को बोला कि जल्दी से लक्ष्मी देवी को मनाओ और फिर श्री मंदिर में लेके चलो। तो जगन्नाथ जी बोला ठीक है, अभी क्षमा मांगना है, गलती हो गया। तो जगन्नाथ जी गलती स्वीकार किया लक्ष्मी देवी को, तो लक्ष्मी देवी को लेके गया। तो ऐसे देखिए लक्ष्मी देवी का कितना प्राधान्य है जगन्नाथ पुरी धाम पे, इसलिए ये श्री क्षेत्रों बोला जाता है। तो जब रथ यात्रा होता है तो रथ यात्रा, जैसे रथ यात्रा और उल्टा रथ,
एक है सोजा रथ, सीधा रथ और एक है उल्टो रथ, उल्टा रथ। तो इसका बीच में एक दिन आता है, उसको बोलता है हेरा पंचमी, हेरा पंचमी। तो इस दिन एक्चुअली क्या है कि लक्ष्मी देवी को ये मतलब जगन्नाथ जी बोल के रखा था, कहीं पर भी हम जाएंगे तुमको लेके जाएंगे, लक्ष्मी देवी बोल के मेरे को लेके जाना है, तो ऐसा नहीं जाना। लेकिन जब रथ यात्रा में जगन्नाथ उसको बोलती है, जगन्नाथ जी उसको बोलती है कि अरे मैं अपना बहन को और अपना भैया को लेके थोड़ा घूम के आ रहे हैं, कुछ दिन में आ जाएंगे आप, चिंता मत करो, परेशान मत हो। फिर निकल जाते हैं और फिर लक्ष्मी देवी वेट करती है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन वापस नहीं आया, कहाँ गया उसका जो सेवक है, उनको भेजा, कहाँ गया जगन्नाथ, देखो जाके, अभी तक घर नहीं आ रहा है, तीन दिन हो गया घर नहीं आ रहा है, क्या हो गया, कहाँ पे क्या कर रहा है, देखो जाके। तो उनका जो लक्ष्मी देवी का जो पांडा लोग है, बोलते जगन्नाथ जी उधर पे गुंडीचा मंदिर पे है। गुंडीचा मंदिर उधर क्या कर रहा है, अभी तीन दिन हो गया वापस क्यों नहीं आ रहा है। तो लक्ष्मी देवी उनका पांडा लोग को लेके क्या करते हैं, तो लक्ष्मी देवी का पांडा लोग लक्ष्मी देवी को पालकी में चढ़ा के लेके जाता है गुंडीचा मंदिर के तरह। हर साल ये हेरा पंचमी के दिन ये होता है। तो लक्ष्मी देवी और उनका पांडा जाता है जहाँ पे जगन्नाथ जी रहते हैं, गुंडीचा मंदिर में। तो गुंडीचा मंदिर है वृंदावन, वृंदावन भाव में रहता है उधर पे। तो अभी जब पहुँचता है ये पांडा लोग, लक्ष्मी देवी का पांडा लोग, तो फिर जगन्नाथ के पास जाता है, और जगन्नाथ का पांडा और लक्ष्मी देवी का पांडा बहुत उन लोगों में एकदम मतलब झगड़ा हो जाता है। लक्ष्मी देवी बोलता है तुम क्या कर रहे हो उधर, चलो वापस चलो, मेरे को नहीं लेके आया। तो फिर बोला जाते आएंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं। फिर लक्ष्मी देवी क्या करती, लक्ष्मी देवी का पांडा लोग क्या करता है, रथ को तोड़ देता है, पूरा नहीं तोड़ता है, थोड़ा डैमेज कर देता है। ये होता है हर एक साल, एवरी ईयर ऐसा ये लीला होता है हेरा पंचमी के लिए। तो लक्ष्मी देवी फिर वापस आ जाती है। अब जब आठवें दिन, आठ दिन के बाद जब जगन्नाथ वापस आता है मंदिर में, तब लक्ष्मी देवी का पांडा लोग जगन्नाथ को घुसने नहीं देता। जगन्नाथ का पांडा लोग पूरा रोक के रखता है एकदम, लक्ष्मी देवी का पांडा लोग घुसना नहीं है एकदम, जाओ जहाँ पे रहना रह जाओ, ऐसे दिव्य लीला है भगवान का। तो बहुत देर तक ऐसा रोक के रखती है और फिर लास्ट में जगन्नाथ क्षमा मांगता है, गलती हो गया, ओके कोई नहीं है, फिर घुसने देती है लक्ष्मी देवी जगन्नाथ। तो ये लीला होता है लक्ष्मी देवी और भगवान के साथ। तो ब्रह्मा जी जो ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स का जो सेकेंडरी क्रिएटर, फर्स्ट व्यक्ति जो जन्म लिया हुआ ब्रह्मा जी यूनिवर्स में, तो ब्रह्मा जी फिर सब क्रिएशन किया, स्पीसीज 84 लाख स्पीसीज ये क्रिएशन किया, फिर 14 प्लानिटरी सिस्टम्स ये सब क्रिएशन किया ब्रह्मा जी। तब उसके बाद ब्रह्मा जी एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा का एक दिन उसको बोलता है कल्प, उसको बोला जाता है एक कल्प, ब्रह्मा जी का एक दिन तो बहुत बड़ा है। ब्रह्मा जी का टोटल लाइफ स्पैन है 311 trillion ईयर्स टोटल आयु, इस जो पृथ्वी का ईयर का कैलकुलेशन है 300 trillion ईयर्स एज ऑफ यू नो आयु ऑफ ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी एक बार, उनका हर एक दिन खत्म होता है कल्प, जब खत्म होता है तो डिस्ट्रक्शन होता है, प्रलय आता है।
पूरा एकदम पानी से भर जाता है, पूरा यूनिवर्स का आधा से भी ज्यादा पूरा पानी से भर जाता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, पृथ्वी लोक ये सब, तो फिर से क्रिएशन होता है। तो ये कल्प के अंत में ये क्रिएशन डिस्ट्रक्शन का सिस्टम है, ये होता है। तो अभी डिस्ट्रॉय हो चुका है, ब्रह्मा को फिर बनाना होगा, मतलब हर एक दिन के बाद ब्रह्मा को फिर क्रिएशन करना पड़ता है, पूरा नहीं, अपना लोग जो ब्रह्म लोग जो सत्य लोग है वो डिस्ट्रॉयड नहीं होता है कल्प के बाद, एक दिन के बाद, लेकिन वो जब ब्रह्मा का जब आयु खत्म हो जाता है तब सब कुछ डिस्ट्रॉय होता है। एक है प्रलय, एक है महाप्रलय, दो तरह का डिस्ट्रक्शन है। तो ब्रह्मा जी जब डिस्ट्रक्शन हुआ फिर से क्रिएशन करना है, तो ब्रह्मा जी बोल रहा है कि अरे मेरे को फिर से क्रिएशन करना पड़ेगा, हाँ तो ये बहुत, फिर से मैं ऐसा जगह क्रिएशन करूंगा जो दुखालय अशाश्वतम है, तो ये ऐसा जगह मेरे को अच्छा नहीं लग रहा क्रिएशन करने में, तो कुछ बताइए क्या करे। भगवान विष्णु से प्रार्थना किया ब्रह्मा जी, ये मोटिव से कि इतना ये जीवों का उद्धार कैसे होगा। तो विष्णु भगवान तो तपस्या से प्रसन्न होके तो नीलाचल क्षेत्र में श्री क्षेत्र में तपस्या करने बोला ब्रह्मा जी। तो वहां पे तब ब्रह्मा का जो आयु था, अभी तो ब्रह्मा का एज 51, तब ब्रह्मा का आयु कम था, मतलब बहुत सालों पहले का ये कहानी है, करोड़ों करोड़ों साल पहले का कहानी। तो ब्रह्मा का आयु 49 था तब, तो 2 साल छोटा था तब। तो उस टाइम पे विष्णु बोला, भगवान विष्णु बोला कि हम लक्ष्मी नारायण का रूप में ये नीलाचल क्षेत्र में रहते हैं। तो ब्रह्मा तपस्या करने के बाद तो लक्ष्मी नारायण बहुत सेटिस्फाई हो गया, बोला कि क्या वर मांगते हो मेरे से। तो ब्रह्मा जी बोला कि मैं क्रिएशन करता हूँ, सब लोग बहुत कष्ट पाता है, देखिए ऐसे कैसे कोरोना वायरस में कितना कष्ट पा रहे हैं लोग, 1.5 साल से कितना दिन हो गया, तो बहुत कष्ट पाता है, ये लोग उद्धार कैसे होगा। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी तो सबका मतलब पिताजी फिगर है, पूरा फादर फिगर, फर्स्ट पर्सन ऑफ दिस यूनिवर्स। तो फिर लक्ष्मी नारायण बोला कि जो भी मेरे को दर्शन करेगा नीलाचल क्षेत्र में वो मुक्ति पा जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा, लिबरेटेड हो जाएगा, जन्म मृत्यु का चक्कर से लिबरेटेड हो जाएगा। तो ये जो न्यूज है पूरा ब्रह्मांड में फैल गया, ऊपर का लोक में भूर लोक, गुबर लोक, जना लोक, तपोलोक, पाण लोक, सत्य लोक, सब लोग में फैल गया, नीचे अतल बितल सुतल सब जगह फैल गए न्यूज। और नीचे पाताल लोक के भी नीचे जो यमराज का अबोर्ड है, यमराज का लोक है यमलोक, जो पाताल लोक से मतलब पाताल लोक से भी नीचे है, तो वहां पे न्यूज चला गया जमराज के पास। अब जब जमराज के पास जब न्यूज गया, जमराज बहुत टेंशन में आया कि सब लोग दर्शन करेगा और भगवान का धाम पे चला जाएगा, लिबरेटेड हो जाएगा, तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मेरा सेवा कैसे चलेगा। जमराज को एक्चुअली सेवा दिया है, पनिशमेंट देने का, पापी आत्माओं को पनिशमेंट देने का ये सर्विस दिया, तो मेरा सर्विस का क्या होगा। यमराज चला गया, यमराज गया लक्ष्मी नारायण के पास, तो लक्ष्मी नारायण को बोला कि ये प्रॉब्लम है, आप अभी दर्शन मत दीजिए, मेरा बिजनेस का प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरा सेवा का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो लक्ष्मी नारायण बोला ठीक है, मैं हम लोग अंतर्धान हो जाएंगे। तो जो स्वर्ण बालुका सोने का बालुका नीचे हम लोग चले जाएंगे, तो इंद्रदुम्ना महाराज आएगा तो फिर हम लोग आएंगे, फिर से अभी हम लोग दर्शन नहीं देंगे, आपका बात रखते हैं। यमराज का बात सुना, यमराज का
तपस्या से प्रसन्न होकर उनके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। तभी इंद्रद्युम्न राजा आके, हम लोग लास्ट दिन देखे थे, इंद्रद्युम्न राजा आके फिर से कैसे जगन्नाथ जी का प्रतिष्ठा हुआ। तो लक्ष्मी नारायण बोला कि अभी हम लोग अंतर्धान रहेंगे, लेकिन इंद्रद्युम्न राजा आके दारुब्रह्म रूप प्रतिष्ठा करेगा। मतलब ये दारुब्रह्म रूप मतलब ये जो लकड़ी का था, दारू मतलब लकड़ी, पीने वाला दारू नहीं ये दारू मतलब है लकड़ी, ये स्पेशल दिव्य लकड़ी है ये। तो कैसे लकड़ी आया था समुंदर से, जहां पे लकड़ी आया था समुंदर से, वो जगह अभी भी है, वहां पे जगन्नाथ का विग्रह है समुंदर का पास। हर एक साल हम लोग जाते थे श्री क्षेत्र पूरी परिक्रमा करने, श्री क्षेत्र पूरी परिक्रमा हर एक साल इस्कॉन ऑर्गेनाइज करता है इन द मंथ ऑफ नवंबर एवरी ईयर। ये स्पेशल टाइम आता है नवंबर मंथ में, ये श्री क्षेत्र परिक्रमा रहता है, तो हम लोग जाते थे हर एक साल। हाँ, प्रेमान चैतन्य प्रभु लेके जाते थे हम लोग को, बहुत अच्छा उधर पर सेवा करते थे संबंध, फिर बहुत सारा सेवा रहता था हम लोग का। फिर लास्ट दिन समुंदर स्नान भी होता था, कई कई बार समुंदर स्नान बहुत सम ईयर्स वेरी एंजॉयबल इट वॉज, और कुछ ईयर पे समुंदर का स्नान उतना अच्छा नहीं हुआ, एकदम बहुत रफ होता है, इधर उधर फेंक देता है पूरा समुंदर, बहुत वेव्स आता है पूरी का समुंदर में। एनीवेज ये जो पूरी परिक्रमा एवरी ईयर इस्कॉन कराता है, पता नहीं इस बार पिछले ईयर से उस तरीके से नहीं हो रहा है कोरोना के कारण। तो ये तो फिर बोला जगन्नाथ जी लक्ष्मी नारायण बोला कि जब मैं दारू ब्रह्म का रूप में हम प्रतिष्ठित होंगे, तब जो भी हमको दर्शन करेगा वो भगवान के धाम पे चला जाएगा। तो ऐसे बेनेडिक्शन मिला, जो भी जगन्नाथ जी को दर्शन किया है जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धा के साथ, जगन्नाथ पुरी धाम पे गो बैक टू गॉड इट। तो कोई बोल सकता है अरे तब तो चैंटिंग करने का क्या जरूरत है, कुछ करने का जरूरत, एक बार चले जाएंगे पुरी में फिर सब कुछ हो जाएगा, बैक टू गॉड इट चले जाएंगे। तो उतना श्रद्धा से करना है, डेफिनेटली चले जाएंगे, ये बोला गया है शास्त्र, गलत नहीं, हम लोग में वो श्रद्धा नहीं है, नहीं है दिक्कत। That's why that we have that faith, चैतन्य महाप्रभु, we are so fallen, actually हम लोग बहुत ही गिरे हुए हैं एक्चुअली। हम लोग को ये समझना चाहिए कि कलयुग का व्यक्ति इज वेरी वेरी फॉलन, तो वो स्थिति उतना श्रद्धा हम लोग में नहीं है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो जब गुंडीचा मंदिर में रथ यात्रा के टाइम जब गुंडीचा मंदिर में भगवान जाता है, तो वहाँ पे जब दर्शन करता है कोई गुंडीचा मंदिर पे, तो सबसे बेस्ट होता है वो दर्शन, सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है वो दर्शन। तो सात दिन गुंडीचा मंदिर में भगवान रहता है। तो हम लोग का कोलकाता में श्रील प्रभुपाद जी इंस्ट्रक्शन दिया था हिज होलीनेस जयपाता का स्वामी गुरु महाराज को, कि कोलकाता का रथ यात्रा को ये पुरी का जैसा इतना फेमस रथ यात्रा बनाना है, इंस्ट्रक्शन दिया था श्रील प्रभुपाद। हर एक साल कोलकाता का रथ यात्रा ऑर्गेनाइज होता है इस्कॉन के द्वारा, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी आती है इनॉग्रेशन करने। लास्ट ईयर कुछ नहीं हुआ था कोरोना के कारण, तो ये ईयर एक्चुअली 50th ईयर 1971 टू 2021, 50 ईयर्स ऑफ इस्कॉन कोलकाता रथ यात्रा। दिस इज वेरी स्पेशल ईयर एक्चुअली फॉर इस्कॉन कोलकाता। सो इस्कॉन
in Kolkata there is mainly three prominent centers in 3C Albert Road jahan pe abhi main hu wo ye main mandir hai matlab ye established mandir hai Kolkata mein 3C Albert Road ये मंदिर एक्चुअली ये जो 3C अल्बर्ट रोड ये है मतलब भारत का पहला मंदिर है 3C अल्बर्ट रोड में जो मंदिर है एक्चुअली ये प्रॉपर्टी जब प्रभुपाद जी जब अमेरिका से आया भारत में तब इसोरिनी जयपता का स्वामी गुरु महाराज तो वो कलकत्ता में था गौरी मठ में रह रहा था तो गौरी मठ में जब प्रभुपाद बोला कि हम ऐसा जगह उठना चाहते हैं जहाँ पे एक्चुअली क्या है अपना जगह है जो तो गौड़ियो मठ में तो गौड़ियो मठ क्या है गौड़ियो मठ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एस्टेब्लिश किया था गौड़ियो मठ श्रील प्रभुपाद के गुरु जी श्रील प्रभुपाद के स्पिरिचुअल मास्टर तो लेकिन क्या हुआ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब चले गए तो गौड़ियो मठ क्या हुआ गौड़ियो मठ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो इंस्ट्रक्शन है उन्हीं पालन किया था और हर एक मठ दूसरा मठ डिवीजन हो गया और एक मठ दूसरा मठ में ऐसे प्रॉपर्टी को लेके ये वो दिस दैट ये सब चीज होने लगा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रेडिक्ट किया था कि आफ्टर आई लीव देयर विल बी फायर इन द गौड़ीय मठ प्रेडिक्ट किया था एंड दैट्स व्हाट हैपेंड तो आचार्य का अगर इंस्ट्रक्शन नहीं पालन करेगा कोई भी देयर विल बी डेंजर एट दिस स्टेज सो It's very essential that you follow Srila Prabhupada's instructions. Acharya. So ISKCON mein GBC hai, the highest governing body hai. GBC is trying to follow Prabhupada's instructions. That's why ISKCON movement is increasing all over the world. Prabhupada ji 108 mandir bana ke gaya, abhi 650 se zyada hai. Steadily it is increasing. So, to ye जयपाल गोस्वामी गुरु महाराज ये 3C अल्बर्ट रोड का प्रॉपर्टी तब भाड़े पे लिया था तो वहाँ पे प्रभुपाद जी आया तो उसके बाद यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है उसको खरीदा इस्कॉन ने और अभी रिसेंटली 3-4 साल पहले और दो सेंटर्स आया इन द पास्ट 3 ईयर्स एक है गौशाला में जो न्यू टाउन की तरफ जो है राजरहाट वहाँ पे कुछ भक्त रहता है उधर पे और इधर और एक तो वो भी एक टेंपल बनेगा उधर राजरहाट में और एक है दमदम में मोती झील दमदम में तो रिसेंटली तो ये तीनों कोलकाता के ये तीनों मंदिर मिलके इस साल रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करेगा तो रथ यात्रा में रथ नहीं होगा इस बार कोलकाता में क्योंकि कोविड का सिचुएशन है कोरोना का सिचुएशन है पूरी में रथ होगा लेकिन आदमी नहीं अलाउड है तो कोलकाता में ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को टैक्स मतलब जो कार में बैठा के तो ये 3C अल्बर्ट रोड से उनको गुरु सदैव जो 3C अल्बर्ट रोड का यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस में है एक किलोमीटर 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस कार में लेके जाया जाएगा रथ बनाना संभव नहीं है रथ टानने का आदमी बुलाना अभी भक्तों लोग को बुलाना रथ यात्रा करना मुश्किल है कोरोना का सिचुएशन में तो कार में भगवान को लेके जाया जाएगा और गुंडीचा मंदिर बनेगा गुरुसदय रोड में जो भी एक इस्कॉन का प्रॉपर्टी है वहाँ पे गुरुसदय रोड में तो इस्कॉन कोलकाता ये ट्राई कर रहा है इस्कॉन कोलकाता मीन्स ऑल दिस थ्री टेम्पल्स इस्कॉन कोलकाता ट्राई कर रहा है कि गुरु सदर में एक भगवान के लिए एक बड़ा मंदिर बनाया जाए टारगेट है 2025 साल तक ये बड़ा मंदिर एक तो प्रभुपाद जी बोला था तो गुरु महाराज को किशोरी ने जयपाता कक्षा में गुरु महाराज को 38 इंस्ट्रक्शन दिया था उसमें एक इंस्ट्रक्शन था कोलकाता में 10 मंदिर होना चाहिए कोलकाता में एक्चुअली बड़ा शहर है कोलकाता लोग बहुत है कोलकाता में एक दो मंदिर से नहीं होगा ये भी तो मंदिर बड़ा मंदिर है कहाँ कोलकाता में दिल्ली में 12-13 मंदिर है बड़ा बड़ा एकदम बढ़िया बढ़िया मंदिर एकदम पूरा दिल्ली में कोलकाता में वो करना है वो अपॉर्चुनिटी है तो और 10 मंदिर बनाने बोला और एक भव्य मंदिर बड़ा मंदिर
बहुत खूबसूरत मंदिर बनाने बोला कोलकाता में। श्रील प्रभुपाद का बर्थ प्लेस ये है एक्चुअली कोलकाता धाम। तो क्या हुआ फिर तो इधर पे जो गुरुसदय रोड पे आप लोग जो कोलकाता में रहते हैं वो लोग आके दर्शन कर सकते हैं। वहां पे गुंडीचा मंदिर होगा, वो हर एक साल गुंडीचा मंदिर, यही गुंडीचा मंदिर बनता है पार्कशीट में, पार्कशीट मैदान में। पार्कशीट मैदान में तो अभी वो बड़ा रथ यात्रा करना पॉसिबल नहीं है, लाखों का लोग आता था कलकत्ता में, बहुत ही बड़े स्केल में होता था। और तो कोरोना का सिचुएशन में ऐसे करना पड़ रही थी। 50th रथ यात्रा है इस बार, इसलिए ये अरेंजमेंट ये करना पड़ा। एटलीस्ट एकदम लास्ट ईयर तो कुछ नहीं हुआ था, तो लेकिन इस बार 50th रथ यात्रा में कुछ नहीं होगा तो ये सही बात नहीं है। तो गुरुसदय में वहाँ पर जैसे प्लानिंग किया जा रहा है अच्छा एक मंदिर बनाने का, तो वहाँ पे गुंडीचा मंदिर इस बार बनेगा। 8 दिन 7 दिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी उधर पे रहेगा। और वहाँ पे जो लोग आप लोग कोलकाता में हैं तो वहाँ पे आप लोग आके दर्शन कर सकते हैं। तो गुंडीचा का दर्शन सबसे बेस्ट दर्शन है। गुंडीचा में जब कोई दर्शन करता है सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। तो यस, तो भगवान साधारण मनुष्य की तरह बिहेव करता है, साधारण मनुष्य की तरह लीला करता है। आई विल मेक सम अनाउंसमेंट्स एट द एंड ऑफ द क्लास, जस्ट बियर विद मी। तो भगवान क्यों साधारण मनुष्य की तरह लीला करता है? भगवान चाहता है कि कोई उसको डरे ना, डर के एकदम घुल मिल के उनका भक्ति करे। ये वृंदावन का मूड है एक्चुअली। तो कोई अगर डरेगा भगवान है अरे बाप रे, तो इससे फियर, जो फियर प्लेटफॉर्म से ऊपर है लाभ का प्लेटफॉर्म। जो भगवान को अपना बेटा मान रहा है, भगवान को अपना दोस्त मान रहा है, तो ऐसा भगवान ज्यादा चाहता है, ऐसा भगवान और अप्रिशिएट करता है इसको। ऑफ कोर्स अभी हम लोग उस स्टेज में नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट भगवान को अपना दोस्त मान के एकदम सब कुछ करने लगे, नहीं, आस्ते आस्ते उस स्टेज में हम लोग पहुंचना है। एंड दैट स्टेज ऑल्सो यू नो दैट शुड बी, इवन इफ वी गो टू दैट स्टेज बट स्टिल वी शुड एक्सटर्नली नॉट यू नो बिहेव लाइक दैट, यू नो वी आर बिकम द गोपीज, वी शुड नॉट एक्सटर्नली बिहेव लाइक दैट। यद्यपि वो स्टेज बहुत हाई है। तो शिल प्रभुपाद के कुछ शिष्य एक बार क्या हुआ, जब कोई कुछ दूसरे कुछ वृंदावन में कुछ बाबा जी इधर उधर कुछ बोला, अरे तुम लोग सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पीकॉक हो। तो शिल प्रभुपाद के शिष्य लोग क्या किया, पीकॉक फेदर खरीद के, बड़ा बड़ा पीकॉक फेदर खरीद के अपना कोई अपना पूछ में मतलब धोती में लगा लिया पीकॉक फेदर, कोई माथे पे लगा लिया, कुछ ऐसे करके पीकॉक जैसा नाच रहा है। श्रील प्रभुपाद देख रहे हैं अरे बाप रे ये क्या चल रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी समझा है कि भाई वो ऐसे नहीं होता है, साधना भक्ति ये रागानुगा भक्ति है। जो भगवान के धाम पे जो लोग है वो रागानुगा भक्ति का स्तर पे है। आप लोग अभी साधना का भक्ति करते हैं, साधना भक्ति प्रैक्टिस कीजिए, वो दिखाने के लिए नहीं होता है वैसे। तो ये भगवान का, तो जगन्नाथ जी अल्टीमेटली भगवान वही चाहता है कि कोई उनको बिना डरे उनको सेवा करे, घुल मिल जाए, और वही वृंदावन का मूड है। तो क्या होता है कि जब ये जो अनावश्यक टाइम होता है, अनावश्यक टाइम मतलब ये स्नान यात्रा के बाद और रथ यात्रा के बीच में ये जो टाइम अभी जो चल रहा है अनावश्यक टाइम, यहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माने दर्शन नहीं देता है। जगन्नाथपुरी में भी दर्शन नहीं मिलेगा, कोलकाता में भी दर्शन नहीं मिलेगा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का। तो अनावश्यक टाइम पे भगवान का बुखार होता है और सिर्फ द्वैतापति लोग, विशेष वो लोग एक्चुअली द्वैतापति लोग, वो लोग शूद्र होता है बाय बर्थ। तो पुरी में द्वैतापति लोग वो क्या करता है, वो लोग सेवा करता है और भीतर में और किसी को अलाउड नहीं है घुसना, दूसरे किसी को नहीं, नॉर्मल पांडा लोग नहीं घुस सकता है,
सिर्फ द्वैतापति लोग। तो इस अनावश्य टाइम पे जगन्नाथ जब भीतर में है, घर का भीतर में है, अंदर पे है, तो उस टाइम पे देखना नहीं, मतलब दर्शन नहीं करना चाहिए भगवान को। इस टाइम पे कोई दर्शन करेगा तो नरक जाएगा वो, दूसरे टाइम पे दर्शन करेगा तो वो वैकुंठ धाम भगवत धाम पे जाएगा, तीसरे टाइम अनावश्यक टाइम पे नरक चल जाएगा वो, मना है दर्शन इस टाइम पे। तो द्वैतापति लोग ही ओनली घुस सकता है भीतर में। और कैसे भगवान को, जनरली क्या होता है, भगवान जगन्नाथ को भोग लगता है तो क्या होता है, बहुत सारा स्तुति मंत्र, बहुत सारा तप स्तुति करके सब उनको भोग लगाया जाता है। लेकिन द्वैतापति लोग क्या करते हैं, वो वृंदावन का मूड में रहता है, वृंदावन में सब भगवान को अपना दोस्त मान रहे, अपना बेटा मान रहे। तो द्वैतापति लोग क्या होता है, प्लेट बनाता है भगवान के लिए, राइस टाइस नहीं खाता इस टाइम पर, भगवान राइस नहीं खाता है, अन्न नहीं खाता है इस टाइम पर, तो दूसरा डिफरेंट टाइप मेडिसिन लेता है, दूध खीर ये सब लेता है अनावश्यक टाइम पे। और प्लेट बनाता है द्वैतापति लोग और सामने रख देते हैं जगन्नाथ, ले जगन्नाथ खा लो, ऐसा बोलो, सिर्फ कोई मंत्र वंत्र कुछ नहीं, जगन्नाथ के सामने एक पत्तल में प्लेट रख दिया, साल पाता में प्लेट रख दिया बना के, जगन्नाथ तुम खा लो, और खा लेता है जगन्नाथ। यही है, द्वैतापति लोग सबसे स्पेशल है एक्चुअली, मतलब सबसे निकट है भगवान का। तो ऐसे जगन्नाथ का जो लीला है बहुत ही सुंदर लीला। और एक बार क्या हुआ था, इस टाइम पे अनावश्यक टाइम पे एक आलवार, आलवार मतलब सी संप्रदाय के आचार्य आलवार, तो हम लोग ब्रह्म संप्रदाय जो है इस्कॉन ब्रह्म संप्रदाय में है, सी संप्रदाय साउथ इंडिया में है, तो साउथ इंडिया का एक आलवार शिव संप्रदाय का आचार्य, वो आया जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथपुरी में तब देख रहा है कि जगन्नाथ का दर्शन नहीं होगा, अभी अनावश्यक टाइम भी आया, तो जगन्नाथ बहुत वो रोने लगा, जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होगा, वो सोचा कि सुइसाइड कर लेगा पुरी का समंदर में जंप करके। तो वो फिर पुरी का समंदर की तरफ चलने लगा। तो जगन्नाथ भगवान फिर हनुमान जी को भेजा। तो जगन्नाथ मंदिर का साउथ गेट में एक हनुमान जी है, 30 फीट का हनुमान जी है, उनको बोलता है कानपाता हनुमान, कानपाता हनुमान, कान खड़ा करके कानपाता हनुमान। तो हनुमान जी का काम क्या है कि कोई शोर नहीं आने देता है, कोई समंदर का आवाज जगन्नाथ मंदिर के भीतर में नहीं आता है, क्योंकि जगन्नाथ जी को नाइट में रेस्ट करना है अच्छे तरीके से, समंदर का आवाज आएगा तो अच्छे से रेस्ट नहीं कर पाएगा जगन्नाथ जी। तो कानपाता हनुमान को इसे बैठा दिया। तो कानपाता हनुमान को जगन्नाथ बोला जाओ, सुसाइड करने जा रहा है। तो कानपाता हनुमान पीछे आया, उनको बोला भक्त आलवार को बोला क्या कर रहे हो, ऐसे बातों बातों में ऐसे उनका डायरेक्शन घुमा दिया, डायरेक्शन घुमा दिया। वो तो समझ नहीं पा रहा है, वो तो अपना जगन्नाथ का थॉट में है पूरा एकदम। तो जाने लगा, समुंदर नहीं आ रहा है, उल्टा रास्ते में चला गया। चलते 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 एक जगह आया, ब्रह्मगिरी बोल के एक जगह आया, ब्रह्मगिरी और नज़दीक है पुरी का, पुरी से बहुत नज़दीक है, 10-15 किलोमीटर डिस्टेंस है पुरी से, जगन्नाथपुरी मेन जगह से ब्रह्मगिरी। तो वहाँ पे आ गए आलवार। तो वहाँ पे भगवान उनको चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, भगवान जगन्नाथ चतुर्भुज रूप में, विष्णु रूप में, चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। तो आलवार जो होता है साउथ इंडिया का, वो लोग विष्णु का आराधना करते हैं। जे जतामाम प्रपद्यन्ते तामस्ततैव भजामि अहम्, मम वर्तनु वर्तमानन्ते मानुष्य परत सर्वस्व। तो जे जथामाम प्रपद्यन्ते तामस्ततैव भजामि अहम्, जैसे भगवान को जैसे चाहेगा वैसे रूप में मिलेगा। तो आलवार नाथ को दर्शन दिया विष्णु का रूप में, विग्रह स्वयं प्रकट विग्रह आ गया विष्णु चार हाथ में। तो ये आलवार नाथ, ये आलवार बहुत खुश हो गया, ये कौन विष्णु है,
ये जो चार हाथ का विष्णु है क्या हुआ था, जब रासलीला हुआ था वृंदावन में, वृंदावन में जब रासलीला हुआ था तो राधा रानी के साथ जब डांस कर रहा था भगवान कृष्ण, तो राधा रानी को थोड़ा गर्व आ गया, प्राइड आ गया कि कृष्ण मेरे ही साथ डांस कर रहे हैं, तो कृष्णा इमीडिएटली अंतर्धान हो गया, सबके पास से चला गया कृष्णा। तो कृष्णा फिर अंतर्धान हो गया, सिर्फ गोपी गोपी लोग और राधा रानी सब ढूंढने लगा कृष्ण को। तब जब ढूंढने लगा तब कृष्णा कुछ दूर में जाके विष्णु का रूप पकड़ लिया। तो विष्णु ये चार हाथ का विष्णु, कृष्ण उस फॉर्म में आ गया, विष्णु का फॉर्म में आ गया। तो गोपी लोग देखा कि ये तो विष्णु है, फिर चला गया दूर में। जब राधा रानी आया तब कृष्ण रोक नहीं पाया, वो चार हाथ से फिर दो हाथ में आ गया, अपने आप को रोक नहीं पाया कृष्ण। राधा रानी का दर्शन में इतना खुश हो जाता है कृष्ण। तो ये वही विष्णु है जो कृष्ण, जो विष्णु बना था रासलीला में, वही विष्णु का रूप या अलवार अलवार को दिखाया। तो ये एक्चुअली कृष्ण ही है इन रियलिटी। तो जगन्नाथ, ये जो जगह है अलवार नाथ, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु गया था, यहाँ पे प्रणाम किया चैतन्य महाप्रभु, जिस पत्थर में प्रणाम किया अलवार, ये जो अलवार नाथ को भगवान विष्णु को, वो पत्थर गल गया पूरा, अभी भी वो जगह है, वहाँ पे हम लोग गए थे। तो वो जगह अलवार नाथ, पत्थर गल गया पूरा एकदम। तो स्वयं प्रकट विग्रह है, इस विग्रह का एक लीला है कि एक पुजारी था, एक पुजारी वो विग्रह का सेवा करता था। तो क्या हुआ कि ये जो पुजारी उसका बेटा को बोला कि एक दिन पुजारी बिजी था, तो उसका बेटा को बोला, बेटा को भोग लगा देने के लिए बोला। तो बेटा बोला ठीक है भोग लगाएंगे। तो पुजारी का बेटा तब भोग लगाने गया भगवान को। तो बेटा बोल रहा है, छोटा बच्चा था, बच्चा बोल रहा भगवान खाओ तुम। तो भगवान तो खा नहीं रहा है, भगवान मतलब भगवान तो आंख से ही खा लेता है, अंगानी यस सकलेन्द्रिय वित्ति मानती, तो कोई भी अंग से भगवान खा सकता है और पूरा वापस मिल जाते हैं। लेकिन बच्चा है, नहीं समझ रहा है, तो भगवान तुम खाओ, क्या कर रहे भाई, खड़ा क्यों हो, खाओ तुम। तो फिर कुछ नहीं हो रहा है, तो बोला अरे तुमको प्लेट दिया सामने, तुम खा क्यों नहीं रहे हो। भगवान और रोक नहीं पाया, हाँ विग्रह स्वयं फिर खाने लगा एकदम पूरा, और फिर सब खा लिया। तो फिर प्लेट लेके वापस आ गया, उसका मम्मी के पास आ गया। तो मम्मी बोला कि अरे कहाँ गया सब प्रसाद, कहाँ गया भगवान का, भगवान तो खा लिया। अरे क्या बोल रहे हो, भगवान थोड़े वैसे पूरा खा लेता है, नहीं पूरा खा लिया एक्चुअली। तो फिर उसका पिताजी आया, पुजारी आया, बोला अरे भगवान पूरा कैसे खा लिया, ऐसे तो नहीं होता है। तो अगले दिन उसको भोग लगाने दिया, तो फिर देखा कि बच्चा कुछ खुद तो नहीं खा ले रहा है, हाँ फिर भोग लगाने दिया पिताजी। पुजारी जो है, पुजारी एक बाहर से देख रहा है क्या हो रहा है, पुजारी देख रहे हैं कि सही में भगवान खा रहा है, सब कुछ खा रहा है। और लास्ट में स्वीट राइस, गरम स्वीट राइस था। अब पुजारी देख रहे सब कुछ खा लेगा भगवान, तो हम लोग वो लोग क्या खाएगा। तो पुजारी घुस गया भीतर में, तो भीतर में जब पुजारी घुस गया तो भगवान तब इमीडिएटली जल्दी 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 वो स्वीट राइस खाने लगा। हाँ, और क्या गर्म था बहुत स्वीट राइस, स्वीट राइस गिर गया इधर पे, गरम स्वीट राइस इधर उधर गिर गया, इधर पे गिर गया, इधर नीचे गिर गया, ये चेस्ट में गिर गया, तो जल गया। बंगाली में बोलते हैं ना जो बर्निंग, फुसका फुसका हो गया, जो गरम पानी जब लगता है क्या होता है स्किन में, फूल जाता है। भगवान का यहाँ पे चेस्ट में अभी भी वो चिन्ह है, अलवार नाथ का विग्रह में अभी भी वो साइंस है। जब भगवान जल्दी में स्वीट राइस खाने के टाइम पे, पायस खाने के टाइम पे ऐसा गरम पायस गिर गया उसका। तो ये भगवान का जो दिव्य लीला,
तो एक लीला और एक लीला मैं बताऊंगा कि एक बार क्या हुआ, भगवान जगन्नाथ का एक बहुत अच्छा भक्त था, वो दिल्ली में रहता था। वो एक्चुअली टेलर था, दर्जी था, टेलर। तो ये टेलर भगवान, वो एक्चुअली नवाब का, बादशाह का अंडर में सेवा करता था। तो बादशाह वहाँ का, जो बादशाह था दिल्ली का, था मुसलमान राजा था। तो फिर एक्चुअली बादशाह उसको बोलता था, मेरे लिए ये बना दो, वो बना दो। तो फिर उनके लिए, बादशाह के लिए ऑर्डर आया कि एक तो तकिया बनाना है, बालिश, बंगाली में बालिश बोलता है, तकिया। तो वो बहुत अच्छा जानता था बनाने, ये बहुत अच्छा एक्सपर्ट, वेरी वेरी एक्सपर्ट टेलर वाज। तो वो जब पूरा दो ठो तकिया का ऑर्डर था, तो बहुत अच्छे तरीके से एम्ब्रॉयडरी करके, ये करके बादशाह के लिए मतलब बनाया। ये अभी डिलीवरी का टाइम आ गया, तो वो सोचा कि अरे बादशाह के लिए ये सब क्यों मैं बनाऊं, ये भगवान जगन्नाथ के लिए होना चाहिए, ये मुसलमान राजा के लिए हम क्यों ये सब दे। लेकिन क्या करता है वो, तो मतलब सर्विस करता है उसके अंडर में। तो फिर मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं ये जो तकिया है, ये भगवान जगन्नाथ का सर्विस में अगर मैं देता, तो वो सो गया, फिर नींद में चला गया। तो नींद में देख रहा है कि जगन्नाथ रथ यात्रा हो रहा है। रथ यात्रा में जब पहांडी विजय होता है, पहांडी विजय मतलब जगन्नाथ को मंदिर से रथ में चढ़ाया जाता है, पहांडी विजय करके, वो एक प्रोसेस होता है पहांडी विजय। तो पहांडी विजय के टाइम पे बालिश लगता है, ये जो तकिया ये लगता है। तो मन ही मन सपना में देख रहा है कि एक बालिश फूट गया, कुछ खराबी हो गया, वो बस्ट हो गया, एक बालिश, एक तकिया जगन्नाथ को जब उसमें लेके जा रहा था रथ में। तो ये जो टेलर है, एक तकिया उस पुजारी को दिया, पांडा को दिया। तो जगन्नाथ जी उसको एक्सेप्ट कर लिया, जगन्नाथ जी हाथ बढ़ा के एक्सेप्ट कर लिया उसको, तो पांडा को दे दिया। तो फिर इसका नींद टूट गया, ये टेलर का नींद टूट गया। तब देख रहा है कि सही में एक ठो तकिया चला गया है, सिर्फ एक ठो ही है, सही में ऐसा हो गया, ओनली वन पिलो इज लेफ्ट बिहाइंड। तो फिर राजा मांग रहा है, ऑर्डर मांग रहा है, दो पीला पिलो तकिया बनाने बोला, मैं वो आप दीजिए मेरे को, ऑर्डर लाओ। बोले एक ही है, एक क्यों, दोनों बनाने बोला, दो ठो बनाने बोला, एक क्यों है। तो बोले एक तो जगन्नाथ जी ले लिया। अरे जगन्नाथ जी थोड़े लेता है, कैसे ले सकते, कहाँ पे रहता है जगन्नाथ, तो पूरी में रहता है। अरे ये दिल्ली है, वो पूरी से ले लेगा, तकिया ले लेगा पूरी से इधर से आके। बोले जगन्नाथ का हाथ बहुत बड़ा है, लंबा है, बहुत लंबा है। तो जगन्नाथ का हाथ सही में बहुत लंबा है, और इसको हम लोगों को अपना जीवन में देखना है कि भगवान जगन्नाथ का हाथ कैसे, हम लोगों का जीवन में भी भगवान जगन्नाथ का हाथ है। कोई भी सिचुएशन होता है हम लोग का जीवन का, ये ऐसे नहीं होता है, भगवान का इच्छा से होता है, स्पेशली जो भक्ति कर रहा है। तो आप सब लोग देखिए कि कैसे, कहाँ पर जगन्नाथ जी का हाथ है अपने लाइफ में। मेरे को तो बहुत रियलाइजेशन हुआ है 2020-2021 में, बहुत मेरे को रियलाइजेशन हुआ जगन्नाथ जी का हाथ कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हुआ। बहुत पूरा डायरेक्ट मैं देख पाया। तो जगन्नाथ बोला कि, टेलर बोला कि जगन्नाथ जी का हाथ बहुत लंबा है, अच्छा उनको हम पनिशमेंट देंगे, उनको जेल में घुसा दिया। देखते हैं, अब जगन्नाथ जी का हाथ इतना बड़ा है तो तुमको जेल से हाथ से निकाल देगा। ठीक है, जेल में घुस गया वो। तो फिर क्या हुआ, जेल में उसको खाना नहीं दे रहा ठीक से, बहुत टॉर्चर किया जा रहा था उसको, तो विशेष करके खाना अच्छे से नहीं दिया जा रहा था।
जगन्नाथ जी वो जगन्नाथ जी का नाम लेता रहा, चैंटिंग करता, जेल में भी चैंटिंग करता रहा। कोई भी सिचुएशन है, भगवान का भक्त कभी चैंटिंग नहीं छोड़ता है। तो जब चैंटिंग कर रहा है तो भगवान जगन्नाथ बोले, मेरा सेवा किया ये और इसको जेल का ऐसे परेशानी भुगतना पड़ रहा है। तो रात में उसका सपने में आया जगन्नाथ जी, ये जो टेलर था, तो बोला तुम बहुत कष्ट पा रहे हो। उसको खिलाया, सपने में ही खिलाया, उसका सही में पेट भर गया। जगन्नाथ जी प्रसाद खिलाया खुद से, खुद के हाथ से, और उसका सही में पेट भर गया। और फिर जगन्नाथ जी किनका ड्रीम में आया, फिर राजा का ड्रीम में आया, बादशाह का ड्रीम में आया। तो एक बहुत बड़ा मतलब एक व्हिप मतलब चाबुक लेके बहुत पिटाई करने लगा इसको, राजा को, बादशाह को बहुत पिटाई। तुम मेरा भक्त को ये परेशानी करता है, जेल में घुसा के रखा, सही में मैं लिया था वो वाला तकिया, तुम सोचता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, बहुत मार मार रहे हैं, अरे तुमको राजा कौन बनाए, हम राजा बनाए, बहुत मार रहा है। फिर ऐसे करके वो रो रहा था, फिर नींद टूट गया। तो देख रहा है कि सही में उसका पीछे वो व्हिप का निशानी है, चाबुक का निशानी है। वो सोच लिया कि सही में जगन्नाथ जी का हाथ सही बहुत बड़ा लंबा है, सब कोई ऐसे ऐसे नहीं है। तो रिलीज कर दिया उस, वो जो टेलर है उसको रिलीज कर दिया, उनसे क्षमा मांगे। तो ऐसे भगवान का लीला, और भी बहुत सारा लीला है। तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक मंडे, नेक्स्ट संडे हम लोग और भगवान का लीला सुनेंगे।